इसके अंदर खजाना है। खजाना एक साल का पौधा है जो कि हमने प्लांट किया है और इसको हम यहाँ से करके देंगे। अपनी लाई थी सेब जो पेड़ सूख गए थे ना सेब के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए व्लॉग में। तो मैं आजकल घर आया हूँ। घर पे आके मुझे एक हफ्ता हो गया और एक हफ्ते से हम बगीचे में काम कर रहे थे तो मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट किए नहीं क्योंकि टाइम नहीं लगता था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5, कभी 6 और 7 भी बज जाते थे। तो आज मैं शूट कर रहा हूँ व्लॉग काफ़ी टाइम बाद। अभी तक हमने बगीचों में बहुत सा काम कर लिया है, जैसे कि तौलिया खोदना, मतलब पेड़ के आसपास खुदाई करते हैं और अच्छे से वहाँ पर खाद और गोबर डाल देते हैं। वो काम हमारा हो गया लगभग। अब एक दो जगह रह गया है, उसको मैं इसी व्लॉग में कंटिन्यू कर दूंगा। अभी शाम के बज रहे हैं 5:30। अभी मैं एक जगह आया हूँ जहाँ पर कि हमने गड्ढे खोद कर पेड़ लगाए थे, तो उन पेड़ के बाद उनकी कटिंग करते हैं क्योंकि पेड़ काफ़ी लंबे होते हैं ना, तो उनको कट करते हैं ऊपर से। तो उस कटिंग के लिए मैं अभी यहाँ पर आया हूँ। दिखाता हूँ मैं आप सभी को किस तरह से हम आगे का काम करेंगे आज। और इस तरह से होता है पेड़, इसको हम अभी यहाँ से कट कर देंगे। इसमें भी कहाँ से काटते दादू? दादाजी काट के दिखाएंगे अब आपको। काटो, और जो ये वाला पार्ट है इसको भी वेस्ट नहीं करते हैं, इसको हम इस वाली जगह पे यहाँ पे डाल देंगे। और इसी तरह से हम सभी पेड़ में करेंगे जो हमने नए लगाए प्लांट्स। जैसे कि देखिए आप, यहाँ पर भी पूरा लंबा पेड़ था उसको कट किया है। और अब मेरे को इस वाले आइटम को इसको यहाँ पे लगाना है अच्छे से। मैं फटाफट से सारा काम कर लेता हूँ, ज़्यादा मेरे को काम है नहीं। मैं सिर्फ दादाजी के साथ आया हूँ, वो मुझे सिखा रही हैं किस तरह से कहाँ से कट करते हैं ताकि नेक्स्ट ईयर मैं खुद कर सकूँ। अभी जल्दी जल्दी से काम करता हूँ अच्छे से और फिर आपसे मिलता हूँ। और वहाँ पर दादाजी कटिंग कर रहे हैं और मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। और यहाँ पर गोल्डन आर्च से भी सनसेट हो रहा है, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। इस तरह का होता है पूरा पेड़, ये एक साल का पेड़ है रॉयल का। तो यहाँ से हमने इसमें कट मारा और इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने इसमें प्लांट कर दिया यहाँ पर नीचे। इसका काम होगा इसको प्रोटेक्ट करने का, किसी भी जो मतलब पंछी वगैरह आते हैं ना वो इसको हार्म ना करे, तो वो पहले से भी बैठेंगे। तो इसको फिर बाद में निकाल देंगे हम, इसका कोई यूज़ नहीं रहेगा। और ये हमारा मेन प्लांट है जो कि आने वाले 4-5 साल में बड़ा हो जाएगा और लगभग ये वाला ग्रोथ, ये वाला इस तरह का हो जाएगा। ये होता है इसमें जहाँ से आप कट कर सकते हो, ये देखिए ये। तो यहाँ से हमने इसको कट किया है और हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग सभी को। तो ये अगला दिन है और अभी मैं चला हूँ खेत में काम चला है, तो बस जा रहा हूँ अभी खेत की तरफ। अभी मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, इससे पहले मैं यहाँ घर पे था, घर पे मैंने स्प्रे पंप ठीक किया, उसमें थोड़ी दिक्कत थी तो वो सब किया, उसके बाद अब जा रहा हूँ खेत की ओर। और बात करें आज के मौसम की, तो मौसम सुहावना सा है, लगता है कि बारिश होने वाली है। वैसे नेट पे दिखा भी रहे थे कि 18-19 को हल्की हल्की बारिश होगी और आज तारीख अभी 16 है, तो शायद कल परसों तक बारिश हो और फिर देखते हैं। वैसे ऑलमोस्ट सारा काम हो गया, स्प्रे करने जाइए खेत में। पहुँच गया खेत, यहाँ पर चला है काम। तो यहाँ पर भी अभी यही कर रहे हैं, तौलिए बोलते हैं इनको, अच्छे से काम कर रहे हैं बढ़िया। छोटे पेड़ों में इस तरह से करते हैं। यहाँ पे हमारी टीम लगी है काम करने। और ये कुछ व्यू है आसपास की चोटियों का, वो मैंने कितनी बारी बताया आपको, वो एरिया था रजलोरी पास खुन है, इसके अंदर खजाना है। अच्छा, खजाना मतलब काऊ डंग है, गोबर है, गोबर जिसको कि बाद में यूज करेंगे हम खाद के साथ डालने को। वो इसके अंदर बोरियों में रखा है, वे भी दिखाऊंगा आपको बाद में मैं। बाकी ये वाला खेतों हमारे यहाँ पे 2 खेत हैं, मैं आपको बगीचे का टूर दूंगा जो कि हमारा उस तरफ है नीचे को, वहाँ से नीचे के लिए आता रास्ता वो गांव से नीचे के लिए है। तो मैं जाऊंगा या तो मैं इसी वीडियो में दिखा दूंगा आपको या फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा एक, उसमें दिखाऊँगा कि किस तरह से काम हुआ है इस बार। और बाकी इस तरह की देखो यहाँ पर ड्रेनिंग सिस्टम, बारिश का पानी आएगा तो वो यहाँ से ड्रेन होकर यहाँ चल जाएगा और यहाँ से आगे 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 आगे। तो मैं अभी खेत था बट अभी मेरे को भी बाजार सामान लेने के लिए, अभी तो ऐसे ही हो गया। आज मेरे को ज़्यादा काम है नहीं खेत में कुछ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर लिया है, तो बस वही है। चलो 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 भाई, ब्रेक 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 फिसल के वाला रास्ता है। तो आजकल सुबह शाम ठंड होती है तो तंदूर जलाया जाता है, तंदूर से जितनी भी राख निकलती है उसको हम यहाँ पर डालते हैं इस तरह से।
ये सब जगह जो है लहसुन को बोया गया है यहाँ पर। ये है नारंगी का पेड़ जिसमें कि आजकल नारंगी लगी है, नीचे नीचे से हमने निकाल दिया है। और यहाँ पे भी एक यहाँ घर पे हमने जो लकड़ियाँ लाई थी सेब जो पेड़ सूख गए थे ना सेब के, तो उन लकड़ियों को काट रहे हैं और इसको हम रखेंगे स्टोर रूम में स्टोर करके, जो कि काम आएगी हमारी विंटर्स में तंदूर में जलाने के लिए। सो अभी तक हमने इतनी कटिंग कर ली है और अब एक ही पेड़ रह गया है। अभी अभी जस्ट फ्री हुआ मैं लकड़ियाँ काट कर, और अब एक बज गया लगभग 1:30 बजे, तो हमने जहाँ पे बाहर काम करने के लिए लोग लगाए हैं उनके लिए लंच बनाता हूँ आज। अब तो आज तो मैं उनके लिए खिचड़ी बना रहा हूँ माश की, तो वो बनाता हूँ फटाफट से और फिर उनको लंच वगैरह करवाता हूँ। वापस से मैं खेत पहुँच गया, मैं ले आया लंच और बस ये चला है काम। आज हमारा थोड़ा बहुत काम खत्म हो गया है और वो देखो खुशी कैसी खुशी खुशी जा रहे हैं आज। खुशी खुशी जा रहे ना, खुश हो गए बोला छुट्टी मिल गई बोला आज वो जा रहे दिल खुश हो गए।